Welcome to Time News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. सजो इलाको पानी में आमना हिंर तई का भी कवर अड़ो को कोन आयो जे आवाम ता हाली को भी दिसे तो हुआ कंडन वणन ते चढ़ो वेठी आ रातो उनन जो कचला जिद माए पानीया मुसीबत आ कुछ माल लुढ़ी विया फेर भी मदार द्वारो कोन आयो ना हुकूमत में कुछ कोन आयो मगर कुछ मदार त करायो खीथर के जबलन ते तेज बरसात का पोए नई गाज में पानी की खतरनाक हद तई चाढ़ नई गाज 26 फुट वही अचण का पोए काच जा सवें गोठ पानी हेठ अची वया ड्रिगबाला हाजी खान हेरो खान पुट पट गुल मोहम्मद सामणो भुलेल शाह शाह हसन छन्नी कस्बे सूदो काछे के 150 का वधिक गोठन जो बेन इलाकन सा राबतो कटियल काछे के गोठ चढ़ी रुस्तमाणी में एक जणो नई गाज के पानी के वहकरे में लुड़ी वो काच के मुख्तलिफ़ इलाकन जहाँ रहवासी घर खाली करे माल ए सामान खड़ी रस्तन से अची वया महफूज हंधन ना लड पलान मुतासर जो चवण है इख्तियार खेन पानी के तेज वहकरे के रहमो करम से छे दिनों है हंगामी बुनियादों से कदम खड़ी सार लहण जो मुतालबो खीथर की जाबलू पट्टी से तेज बरसात का पोए नई गाज से गड नैंग नई नली भी पानी की सतह में खतरनाक हद तई चाढ़ अची वही गाज बंद के मुख्तलिफ़ हंधन से घारन नई गाज में पानी बढ़ने बाद एफ पी बंद से दबाव वधी वयो बचाव बंद के मुख्तलिफ़ हंधन ता रोणियों जोही बाही पांदी रोड मुख्तलिफ़ हंधन ता टुटी वयो डीसी दादू ए कमिश्नर हैदराबाद सूदो बेन आला अमलदारन तरफा इलाके जो दौरो एफ पी बंद जा कमजोर हिस्सा मजबूत करण लाए गरी मशीनरी तलब सूबाई वजीर सोहेल अनवर सियाल जोही में पानी की सूरत हाल जो जायजो वठण बाद है काछे में फातल मानुन के बाहर कढ़ण लाए हेलीकॉप्टर घुराया वो है रेंजर्स ए पुलिस भी पहुंची वही है नेवी की टीम्स के भी घुराया वो है मुतासर लायकन के मानुन के महफूज अंदना मुंतकिल करे राशन सूदो बी शयूं मुहैया कई वेंदियों बंदन के कमजोर हिस्सन के मजबूत करण जो कम भी जारी नई गाज में पानी के वहकरे में खतरनाक हद तई वाद बाद काचे के केतरन ही गोठन में फाथल मानू महफूज हंधन ना मुंतकिल न थी सकया समय खानदान सरकारी टीमों के ओसियड़े में बैठल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तरफा भी काचे में बोड़ जड़ी सूरत हाल के मुंह डण लाए हंगामी बुनियादों से उपाव वठण की हिदायत चीफ सेक्रेटरी सिंध ए NDMA चेयरमैन सा फोन से राबते दौरान गवर्नर जो चवण है काचे में मुतासर खानदान के फौरी तौर महफूज हंधन ना मुंतकिल कर वे सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकन में टेन ही बितेज ए हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी कराची के आए चंद्रीगर रोड गुलिस्तानी जौहर कयूमाबाद यूनिवर्सिटी रोड नाजमाबाद न्यू कराची क्लिफ्टन ए बेन इलाकन में किथे हल्की तो किथे तेज बरसात बरसात का पोए हेठाई वाले इलाकन में पानी बीजी वो शहदादकोट में तेज बरसात का पोए पानी रस्तन ए घिटन से बीठल शाही बाजार रेशम घिटी ए सब्जी मंडी सूदो बेन इलाकन जो पानी के तलाब में तब्दील थी वया घोटकी डहरकी कश्मोर कंबर पखो काजी अहमद गुड्डू भानसईदाबाद ए भरपासे वाले इलाकन में भी वक्फे वक्फे से बरसात मौसमियात खाते अज भी कराची हैदराबाद ए मीरपुर खास डिवीजन के मुख्तलिफ़ इलाकन में बरसात की अगकथी कदे है अज रात का चौमासे के बरसात जो ही सिस्टम कमजोर थी वो अभी कोरोना से निकल के और बारिश में बच गए अब करें क्या करें कहां जाएं किसको पुकारें किसको बोलें
सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक में बरसात हुकूमती इदारन की कारकर्दगी जा पोल पधरा कर छा। कराची में बरसात का पोए कोरंगी कॉजवे पानी हेठ अची वो। गवर्नर हाउस के चौधारी बीठल पानी निकाल न थियण सबब शहरी परेशान। सदर के बोहरी बाजार बरसाती पानी में बुड़ी वही। इंतजामिया पानी निकाल करण लाय कख भनी मीणो न कयो। सखर में बरसात का पोए गरम गोदी पुराने सखर ए कुरेशी गोठ सूदो बेन इलाक में पानी बीठल। बल्दियाती इदारा बरसाती पानी निकाल करण में नाकाम। लाड़काने शहर में बरसात इंतजामिया की कारकर्दगी की पथ वाखी कर छी। शहर के मुख्य रस्तन ए पहाड़न में पानी बीजी वन सबब शहरी बिटे अजाब में मुब्तला। इंतजामिया पानी निकाल करण लाय कख भनी मीणो न कयो। दादू में बरसात का पोए गटर नाला भी उथली पया। बरसात बल्दियाती इदारा पानी निकाल करण में नाकाम। भान सईदाबाद शहर के मुख्य रोड रस्तन ए घिटिन में भी बरसाती पानी निकाल न थी सको। शहरी बिटे अजाब के मुंह डण लगा। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में टे ई भी बरसात दौरान हादसन ए वाक के नतीजे में छह जणा फौत दह का जख्मी। नॉर्थ कराची इतिहाद टाउन में करंट लगन के धारधार वाक्यन में नींगर सूदो ब जणा फौत। लियारी में जहानाबाद वाले इलाके में घर की छितकरी पई ब जणा दबजी फौत थे एक जणो जख्मी। थानो बुला खान भरसा बारेजा गोठ में घर की छितकरण सबब नौजवान थूहर बारेजो दबजी फौत। औरतुन ए बारन सूदो पंज जणा मरणिंग। दादू के सीता रोड भरसा गोठ मजावर में घर की छितकिरण सबब नींगरी दम नहीं छोड़ो। मीरवा गोरचाणी भरसा गोठ खंबड़ी में करंट लगन सबब पीरसन फौत। मिर्जापुर भरसा बरसात दौरान घर की भितकिरण से करे नींगर जफरला जोड़े जो फौत थी वो। छाछरों में बरसात दौरान विज किरण के नतीजे में नौजवान जयराम भील मरणिंग छह ढोर मरी व। सिंध में बरसात का पोए वाहन ए शाखुन के भी घारा पैजी वाया। सिजावल जुड़े जो वेझो गोठ हैदर देथो वेट सोनहारी शाख के वीह फुट घारो। सारियालो फसल पानी में अची बुड़ी वो। सालेपट भरसा बबली बाइनर के वीह फुट घारो पैजी वो। गड़ी खैरो भरसा कल्च शाख के लगल घारो बधी 200 फुट थी वो। आपाशी अमलो घारो बधण लाय न पहुतो। भरपासे में पोखल फसल पानी हेठ गोठाणा पांजी मदद पान तहत घारो बधण में रुधल। ठिकराटो भरसा मुबारकपुर माइनर के आरडी 19 आर डी 45 वटा 15 30 फुटन जा घारा। फसल पानी हेठ अची वो। इतला बावजूद आपाशी अमलो न पहुतो। गोठाणा पांजी मदद पान तहत घारा बधण में रुधल। बरसात का पोए कैनालन के घारन जो खतरो। आपाशी खाते सखर ए गुडू बैराज में निकरदड़ पंज कैनाल बंद कर छड़ा। घोटकी कैनाल डेजर्ट कैनाल बेगारी कैनाल खैरपुर ईस्ट ए खैरपुर वेस्ट कैनाल्स बंद किया वह। आपाशी खाते जो चवण है तो बैराज में निकरदड़ छह कैनालन में पानी की सतह भी घटाई वही है। कैनाल बंद थियण बाद दरिया में हाँ पानी के वहकर में वार चाड़ थी पे वन। सिंध में 15 सेप्टेंबर का तालीमी इदारा खोलण कारोबारी ए समाजी सरगर्मियों बहाल करण जो फैसलो। सेप्टेंबर महीने की शुरुआत में बीहर सूरत हाल जो जायजो वरतो वेंदो। वरे वजीर मुराद अली शाह जो चवण है तो 15 सेप्टेंबर का कारोबारी सरगर्मियों रात 9 वगे ए रेस्टोरेंट्स रात जो 10 वगे तई खुलल रखा वेंदा। उन लाय घरू खाते तरफा नोटिफिकेशन ए एसओपीस भी जारी कई वेंद। टास्क फोर्स के इजलास में वरे वजीर जो चवण है तो सूबाई हुकूमत तालीमी इदारा खोलण के हवाले से हतमी फैसलो सूरत हाल जो जायजो वठण बात कंदी। सेहत खाते की वजीर अजरा फजल पेचुओ ब्रीफिंग दींदे है तो गुजरल महीने का कोरोना के केसिस में घटताई आई है। कोरोना से कंट्रोल थी वो है पर वैक्सीन की तैयारी तई समाजी विधि के बरकरार रखो पव। नवाज शरीफ ए आसिफ अली जरदारी के खानदान की का भी सियासत ना है। जिम्मेवारी से चवान थो तो सदन खिलाफ केस संजीदा हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद चवण है तो वजीर आजम इमरान खान के अदालतन सादिक ए अमीन जो सर्टिफिकेट दई छो है। आऊँ नो समझा तो पीटीआई जहा वजीर भी करप्शन कर रहा है। हाँ बुधा तो ऑपोजिशन की एपीसी केदा वही। मोहरमुल हराम में अस ट्रेन्स ना हलए सूँ तो ऑपोजिशन वा तहरीक किए हलाइंदा। नवाज शरीफ डेह वापस न पो अचे। कराची की सूरत हाल से शेख रशीद जो चवण हो तो इो भी वक्त अचणो हो जो कराची जहा नाला वफाक के साफ कराना पाया। इ गाल कें भी हुकूमत लाए सुठो सवण ना है।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शेख रशीद चयो तो ML1 मंसूबे जा 30 अगस्त का अगु टेंडर जारी किया वा मंसूबे में को भी फाटक न हों ख्वाहिश है तो चीनी सदर ML1 मंसूबे जो इफ्तिताह करें मंसूबे से 2 लाख मानुन के रोजगार मिल पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी से फर्दे जुर्म लागू करण लाए बिलावल हाउस कराची में स्काइप जा इंतजाम कया वन इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार नैब इख्तियार के खत लिखी छोड़ो खत में आसिफ जरदारी की सुणप यकीनी बनाने लाए नुमाइंदो मुकर्रर किया वे नैब कराची से गड़ी वीडियो लिंक जहाँ इंतजाम कया वन रेफरेंस में नामजद जवाबदार अनवर मजीद लाए भी अस्पताल में वीडियो लिंक जहाँ इंतजाम करण की हिदायत पीपल्स पार्टी पारा नैब अमलदार की डिग्रन अहलियत ए मुकर्र तफसील अवाम आडो आण जो मुतालबो पीपी अगवाण नफीसा शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है त नैब सियासी इंजीनियरिंग जो इदारो साबित थी चुको है इंतकामी कार्रवाई बाद नैब अमलदार की अहलियत ए गैर कानूनी मुकर्र उथंदड़ सवाल इंतहाई अहम है उन्हें तो मनपसंद मानून के अहदा डेई खेन इंतकामी कार्रवाई जो टास्क दिनो वो है नैब तरफा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG स्कैंडल जो अणपूरो ज़िमनी रेफरेंस जमा कराने जो इंकशाफ रेफरेंस में गलत नंबर अणपूरा कागज़ शामिल किया वा एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ज़िमनी रेफरेंस एतराज लगाए वापस कर छोड़ो अदालत तरफा नैब के ज़िमनी रेफरेंस में गलतियों खत्म कर बीहर जमा कराने जो हुक्म नैब तरफा अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ए अगूणे वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल सूदो 15 जवाबदार खिलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस दाखिल किया वो हो सिंध में कोरोना वधिक टिन मरीजन जो हयातियों गिड़काए छड़ियों 309 केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस सटलन जो अंग वधी 1,23,546 थी वो वे वजीर मुराद अली शाह कोरोना जा नवा अंग अखर जारी कंदे है त कराची में 201 नवा केस जाहिर थिया हैदराबाद में 9 ठठे में 8 बदीन ए दादू में 77 जणा कोरोना वायरस में मुब्तला थिया लाड़काने में 6 नवा केस जाहिर थिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी वजीर फैसल वावड़ा खिलाफ तोहीन अदालत ए ना अहली लाए दाखिल दरख्वास्तों बुधनी लाए मुकर्रर कर छड़ियों जस्टिस आमिर फारूकी 20 अगस्त से बिन्हीं दरख्वास्तों से बुधनी कंदो वफाकी वजीर फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन का जवाब तलब कर वरतो दरख्वास्त गुजार तरफा फैसल वावड़ा के मिट्टी शहरियत की बुनियाद से ना अहल करार दियण अदालती हुक्म बावजूद जवाब जमा न कराने से तोहीन अदालत की कार्रवाई हलाने की इस्तदा मकली थाने जो पुलिस अहलकार गुलाम रसूल जाखरो मुबैना तौर बेदर्दी से कत्ल मकली के कब्रिस्तान में सनस लाश मिलो अहलकार जो लाश पोस्टमार्टम लाए अस्पताल मुंतकिल पुलिस जो चवण है लाश एक ढी पुरानो है अहलकार के मथे ते धक जा तशद जा निशाना पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण बाद वधिक जांच कई वे हैदराबाद के सिविल अस्पताल में मरीजन के इलाज बदरा सालगिरह जो तकरीबू थियण लग्यू बारन वाले वार्ड में डेली वेजिस से कम कंदर मुलाजिम की सालगिरह मल्हाने वाली फुटेज मंजर आम से अची वही तकरीब में डॉक्टर्स नर्सिस बो अमलो सालगिरह जो केक काटने बाद तामन जा मजा वठंदे नजर अचे पो सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर नजीर हैदर शाह तकरीब का अणनियाणाई जाहिर कदे है सालगिरह मल्हाने का अगु न संदस इजाजत वरती वही नई उन आगाह अल मंजर जहाँ वाकई मंजर रौनकू बहार मौसम खुशगवार पूरा पो अल मंजर तो अल मंजर जो हिंसर मंजर है ना शायद दिसण वट है तमाम घनी खुशी है असाजे जिले में अड़ा बेहतरीन जेके सो मनाजर जेके मानू दिसण पिया तमाम घनी डिप्रेशन मानू घर में वही ढा तंग थे तो माशा बरसात भी सुठी पी है इनके मौके से हैदराबाद आऊँ हैदराबाद का बाद में पोचा अल मंजर जो रुख कर तमाम बेहतरीन मंजर है इतो
सिंध में बरसात खां पोए मौसम जो मजो वठण लाए शहरी तफरी मागन जो रुख करण लगा। जाम शोरो जे अलमंजर वट बरसात ए झुड़ाली मुंद जो मजो वठण लाए शहरन जी वडी रश औरतुन ए बारन सूदो वडे अंग में माणुन बेड़न ते सवारी करण सा गड लजीज सामान जो भी मजो माणियो। दादू मोरो पुल पे बरसाती मुंद में तफरी जो मरकज बणजी वई मुख्तलिफ़ इलाइकन का पुल ते पहुतल माणुन भरपूर तफरी मां तमाम मानू खुश हैं इंजॉय कर आया तकरीबन दादू इतने सजो जो अच्छे पोतो आ नौजवान ढी इंजॉय पाया कन गवर्नमेंट के तरफा का भी अड़ी जो सो पिकनिक पॉइंट को या कई अड़ी सहूलत को खेर की बरसात पवे अस दादू में गर्मी घड़ी घड़ी आ दादू शहर में भी का भी विजिटिंग पॉइंट को दादू जहाँ शहर कितना का निकी आया कुछ मोरे पास जान इतना जान कोरोना के कर सफा बंद लगा वेठा बेचार मान के मस मस मौको मिलो का इंजॉयमेंट की जाई कान अस मोरे पुल का सवा बो का अस ही को दादू में कड़ो पार्क है वो मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे ढी पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड खिलाफ बी इनिंग्स में 169 रन्स से ऑल आउट थी वही। बी इनिंग्स में यासिर शाह की 23 रन्स का सिवाय को भी रांदीगर जमी न खेली सको। इंग्लैंड के मैच खटने लाए 276 रन्स जो हदफ। अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ स्वागत मैं हमीर शेख हेडलाइंस हवा डिठो तफसीली खबरों में ब्रेक खां पोइ।